खुशी जी, अगर ये धमकियों का सिलसिला खत्म हो गया हो तो कागज ढूंढने में जुट जाइए आप। कागजात आपके पास है। और कुछ बोलने की कोशिश मत कीजिए, हम अच्छी तरह से जानते कि कागजात आप ही के पास है। हम आपकी हरकतों को खूब पहचानते हैं। नहीं खुशी जी, कागजात हमारे पास नहीं है, और अगर आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ है तो ये ना हमारे लिए अच्छा है और ना आपके लिए। बबली बेटा, ये आपके लिए, लेकिन ये आप तब तक नहीं खोलेंगी जब तक आप बोर्डिंग स्कूल नहीं पहुंच जाती, ठीक है? बबली बैब, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बबली, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत, और हमने आपसे क्या कहा था कि ये हम दोनों के बीच की बात है, हम किसी से नहीं कहेंगे, और मिस्टर ए से तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। पक्का प्रॉमिस? क्या नहीं बताना मिस्टर ए को? ये देखिए घर का सामान और आपकी सारी फेवरेट चीजें। चलिए बताइए क्या बात है मिस्टर ए। वो बबली बेटा, कुछ नहीं, हम बस बातें ही। अल कुछ तो बात है, वरना छुपाते क्यों? अब बोलो बेटा। मिस्टर अब बबली बेटा, कोई बात नहीं बेटा। What the hell is this fire? तुम बबली को ये सब क्या सिखा रही हो, बड़ों से बातें छुपाना? नहीं आकाश, अरे मेरी बात तो सुनो। अब बबली पायल, स्टॉप इट। तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये वैल्यूज दे रही हो एक छोटे से बच्चे को कि झूठ बोले बड़ों से? मिस्टर प्लीज। बबली हमने कहा ना। पायल तुम्हारी बबली के साथ प्रॉब्लम क्या है? हमें बबली से मैं जब से वो आई है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम हो। नहीं आकाश। इनफ पायल। मिस्टर ए, बैब्स को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बैब्स से प्रॉब्लम थी। मुझे लगा था कि भैप्स के आने के बाद हम बेस्ट फ्रेंड नहीं लेंगे। बबली बेटा, हमने आपसे कहा था ना कि ये बात आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैं मिस्टर से कोई सीक्रेट नहीं रख सकती भैप्स। ये हम भूल ही गए थे, पर बबली हमें पक्का यकीन है कि आपके मिस्टर ये समझ सकते हैं कि ये सब आपने क्यों किया। वो ये भी समझ जाएंगे कि ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि आपको लगा था वो आपके मिस्टर है नहीं रहे, पर ये तो आपके मिस्टर है ही और हमेशा रहेंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रही थी बेटा। पायल, I'm really sorry पायल, मुझे तुम पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। आकाश, कोई बात नहीं, चलो देरी हो रही है जाने में। देश कैसन पास होते पता भी नहीं चलत है। बबलिया आई
अगो बेंट कान हुई गई। हेलो हाय बाय बाय। कौनो बात ना है मनोरमा, अगली छुट्टी माँ फिर आ जाएगी आपकी बबलिया। अब आप उदास होना छोड़ दीजिए। वो कहा कहते हैं, हाँ आपके चेहरे पे झुरी आ जाएगी। हाँ सिस्टर, जो हेलो हाई करते हैं वो बाय बाय भी तो करेगा ही ना। अब आप ना हमारी तरह सब भूल जाइए और चीयरवा कर लीजिए। सिस्टर हम आपको एक मसालेदार स्पाइसी बात बताएं। कोनो जरूरत नहीं है, नो नीड। अरे सिस्टर पूरी कहानी याद कर कर बैठे, अभी दिमाग को रिफ्रेश हुआ मारा है। सिस्टर हम ठीक है चीचा जी। खुशी जी आप ठीक तो नहीं लग रही, लगता है आप कुछ सोच रही हैं, शायद किसी के बारे में। बिल्कुल सही, और हम जानते हैं कि खुशी जी किन के ख्यालों में खोई हुई है, और हम ये भी जानते हैं कि इनकी मुस्कुराहट लाने के लिए हमें क्या करना होगा। खुशी जी आप हमारी बात तो मानेंगी ना जी? तो फिर चलिए हमारे साथ। ये देखिए और मुस्कुराइए, ये आपको सीधा छोटे के पास लेके जाएगा, जिनको आप इतना मिस कर रही हैं। अंजलि बिटिया पहेलियां काहे बुझा रही है, साफ साफ बता दीजिए। नहीं ने ये आपकी लंदन की टिकटें हैं, अब छोटे से मिलने लंदन जा रही है। पर वो हम आप छोटे की यादों में इतना खोई खोई रहते, तो हम सोचे एक बार अगर आप उनसे मिल आएंगे ना तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आवेगी। इसलिए हमने आपकी लंदन की टिकट करा दी है, ताकि आप वहां जाए जहां पे आपको आपकी खुशी मिलेगी हमारे छोटे के साथ। अरे पर रानी साहब ये अकेली कैसे जाएंगी? आपने साले साहब से बात की? कहाँ, वो हमारा फोन उठाए तब ना, हमने उनके फोन पे एक मैसेज छोड़ दिया। रानी साहबा टिकट लेने से सब कुछ थोड़ा हो जाता है, पासपोर्ट वीजा इन सबका भी इंतजाम करना पड़ता है। हमने सारे इंतजाम करा दिए, मिसेज अर्णव सिंह रायजादा होने का यही तो फायदा है, सारी फॉर्मेलिटी झट से पूरी हो जाती है। क्यों नानी? और आज रात की फ्लाइट है। अब तो मुस्कुरा दीजिए बिटिया, अब तो आप जा रही है छोटे से मिलने। नानी जी और दी ने तो हमारा टिकट करा दिया, लेकिन एक बार हमें अर्णव जी से बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि ये सब नानी जी और दी ने किया, वरना वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे कि बिना बताए हम लंदन आ पहुंचे। कितनी बार कोशिश की है, हर बार वॉइसमेल पर ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया।
अच्छी बात है कि हम वहां जा रहे हैं, एक बार उन्हें देख लेंगे, फिर ये बेचैनी, घबराहट, ये सब दिल से निकल जाएगी। अरे सिस्टर, आज सभी लोग बाय बाय ही सही है, वो हेलो हाय वाली कैटेगरी में कोनो नहीं है का? खुशी, तुम अपना पासपोर्ट और टिकट फिर एक बार देख लेना, तुम ठीक तो हो ना? खुशी इतनी दूर कभी अकेली गई ही नहीं है ना, तभी बहुत चिंता हो रही है। वैसन फटी साड़ी, हम तुमको एक एडवाइस देते, फ्लाइट में सो मत जाना, वो जो एयर होस्टेस पीटी करते है ना, वो सब ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं देखोगी तो समझ लियो। हेलो हाय बाय बाय अंजलि बिटिया, वैसे तुम फ्लाइट का टिकट कराई ही थी तो हमरा भी हमरा मत पले कि सबका काहे नहीं कटवाई, सब जाके वहां लंदन में अन्ना बिटो के एकदम फाइनली सरप्राइज दे देते। मनोरमा, ये हक तो खुशी बिटिया का है सरप्राइज देवे का, पति पत्नी के बीच में आप कहां जाएंगे सरप्राइज देने हैं? लेकिन हमका वहां बोर्डिंग स्कूल में पहुंचकर फोन वा जरूर मार देना। हाँ बिटिया। अरे वो लंदन जा रही है। अरे स्कूल के खातिर इतना दूर? बिरादर, हम तुमको बाद में एक्सप्लेन ही आते हैं सब कुछ। हाँ अच्छा, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं खुशी जी, आप अकेले थोड़ा जाएंगे, हमारे ड्राइवर आपको छोड़ देंगे, और हाँ आकाश ऑफिस में है, वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएंगे, थोड़ी मदद हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सच में चिंता मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख लेंगे। जीती रहिए बिटिया। अपना ख्याल रखना। फ्लाइट में सो मत जाना। अपना ख्याल रखना खुशी, और बिल्कुल मत डरना। नहीं जी जी। और अगर फिर भी डर लगे तो बाबू जी की बात को याद रखना, आंखें बंद करना और उन्हें और अम्मा को याद कर लेना, फिर डर क्यों मंदर। हेलो यस, दिस इज खुशी स्पीकिंग। इस प्यार को